चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। प्रदेश के दो शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में स्थान मिला है। ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा को स्थान मिला है वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में। यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत इस सूची में शामिल किया है। 2021 में यूनेस्को की टीम मध्य प्रदेश आएगी, यहाँ की हेरिटेज संपदा को देखकर मास्टर प्लान तैयार करेगी। यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत सूची में शामिल किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अंकुर जी का। अंकुर जी, प्रदेश के दो शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में स्थान मिला है, क्या कुछ जानकारी? प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के दो शहरों ग्वालियर और ओरछा को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। निश्चित तौर पर इसके लिए यूनेस्को की टीम 2021 मतलब अगले साल यहां पर आएगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरे विश्व भर में ये जो टीम है, जो इस तरह की ये संपदाएं होती है, इस तरह के पुरातत्व महत्व की चीजें होती है, उनको चिन्हित करती है और एक पूरा मास्टर प्लान तैयार करती है। क्या उसमें और विकास किया जा सकता है, कितना अच्छा वहाँ पर उसको सुंदर बनाया जा सके, इन सब चीजों पे ये पूरी टीम काम करती है। इसके लिए मध्य प्रदेश के दो शहरों को ग्वालियर और ओरछा को चुना गया। पूरा ग्वालियर अपने आप में ही पुरातत्व संपदाओं से भरा हुआ है, वहाँ पर चाहे वो किले हो, चाहे भगवान राम राजा का मंदिर हो, चाहे और पुरातत्व धरोहर की चीज हो, ग्वालियर है। इसी तरह ओरछा है, इसी तरह से ग्वालियर है, ग्वालियर का किला है, तमाम तरह की यहाँ पर पुरातत्व संपदा है, उसी को देखते हुए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में उसको शामिल किया गया है। यूनेस्को की टीम अगले महीने आएगी और भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार से मिलकर एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उस मास्टर प्लान के तैयार होने के बाद यहाँ पर और विकास काम किए जाएंगे और इसको कितना खूबसूरत बनाया जा सके पर्यटन की दृष्टि से, उसको लेकर अब ये पूरा काम किया जाएगा। जी अंकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल, प्रदेश के दो शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। और 2021 में जो है यूनेस्को की टीम मध्य प्रदेश आएगी, उसके बाद मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।